नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सबनों हार्दिक स्वागत है। जो विद्यार्थी मित्रों तमे अमारी चैनल पर नवा हो तो सौथी पहेला अमारी चैनल ने सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन प्रेस करो जेथी अमारा आवनार वीडियो यूट्यूब पर सौथी पहेला तमने जोवा मळे। आजना वीडियो में विद्यार्थी मित्रों आपणे धोरण 6 स्वाध्यान पोथी सेमिस्टर 1 हिंदी GCERT द्वारा जे स्वाध्यान पोथी आपवामां आवी छे एनुं अहींया आपणे सोल्यूशन जोवाना छे। आजे प्रकरण नंबर 2 एक जगत एक लोक एनुं अहींया सोल्यूशन करवाना छे। तो चलो विद्यार्थी मित्रों आपणे एनुं सोल्यूशन करीए। तो प्रश्न नंबर 1 सही विकल्प चुनकर खरू की निशानी कीजिए। तो पहला प्रश्न है कवि किसको हमारा धर्म मानते, मानवता, समता, विश्व शांति, निष्ठि, तो मानवता। दूसरा सवाल सभी मनुष्य हिल मिलकर किसका निशान लहराएंगे, तो एकता, समानता, विश्व शांति, सुख की भावना, तो विश्व शांति। राग शब्द का समानार्थी शब्द पहचाने, तो गीत, स्वर, संगीत, प्रार्थना, तो गीत। मान शब्द का विलोम शब्द पहचानिए, तो सम्मान, अपमान, आदर, सत्कार, तो अपमान। गलत जोड़ पहचानिए, फूल तो सुगंध, सूर्य प्रकाश, नदी पानी, दिया अंधेरा, तो दिया अंधेरा वो गलत शब्द है। निस्तिन घर घर में क्या गूंज रहा है, प्रार्थना, मधुर गान, गीत या कविता, तो गीत। इस काव्य में कवि किस विचार को श्रेष्ठ मानते, जीवन, कर्म, विश्व बंधुत्व, प्रगति, तो विश्व बंधुत्व। दूसरा सवाल निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके वाक्य लिखिए, तो यहाँ पे जो शब्द दिए गए बाल दोस्तों उसका अपने को वाक्य प्रयोग करना है। जैसे कि सूर्य, तो सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है। दूसरा सवाल अस्थि, तो अस्थि शब्द आना चाहिए वाक्य में, मेरे पिताजी की अस्थि गंगा में बहा दी। 3 प्राण, मातृभूमि के लिए हम अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे। 4 हर्ष, आज हम हर्ष और उल्लास के साथ नाच रहे थे, तो बाल दोस्तों ये वाक्य लिखने का रह गया, खुद आप लिख दिए, आज हम हर्ष और उल्लास के साथ नाच रहे थे। सवाल नंबर 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न हमारा धर्म क्या होना चाहिए, तो सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। दूसरा एक रक्त का अर्थ समझाइए, मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो उसके रक्त का रंग लाल ही होता है। रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है, भले ही हमारे रंग रूप भिन्न हो पर भीतर से हम सब एक हैं। तीसरा सवाल प्रकृति के तत्वों का सूची बने, तो प्रकृति के तत्व है चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी है। चौथा सवाल आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे, तो हम इसके अलावा काव्य के ये शीर्षक देना चाहेंगे, एक विश्व एक धरा तथा हम सब विश्व बंधुत्व। सवाल नंबर 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक ऐसा क्यों रखा गया है, तो जवाब देना है कि पूरे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है, विश्व में एक ही हवा चल रही है और पानी भी एक ही है, सबके जीवन में सुख और दुख समान है, सभी मनुष्य का शरीर मांस और हड्डियों से बना है। इस तरह कवि ने पूरे दिखाया है कि एकता सिद्ध की है, इसलिए इस काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है। दूसरा सवाल सभी नदियाँ अलग अलग है फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी, सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है, सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है, इसलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। सवाल नंबर 4 भावार्थ के शब्द पंक्तियाँ लिखें, तो यहाँ पे सवाल यह है कि जो पंक्तियाँ भावार्थ दिया गया उसकी अपने काव्य में से ढूंढ के पंक्तियाँ लिखनी है। जैसे कि जीवन एक सुख दुख की कहानी है, तो जीवन है सुख दुख की एक कहानी। दूसरा सवाल हम हर्ष उल्लास के साथ आनंद के गीत गाते, तो हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने। तीसरा हर एक मनुष्य का तीसरा एक हर एक मनुष्य का रक्त समान है, तो एक देह एक रक्त। चौथा सभी राष्ट्रों में एकता का भाव होना हमारा कर्तव्य है, तो राष्ट्रों में ऐक्य यही धर्म कर्म हमारा। पांचवा इन सभी की धरती माता एक ही है, तो एक जगत एक लोक, तो इस तरह काव्य का भावार्थ लिखना है।
प्रश्न नंबर 4, काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो बाल दोस्तों, यहाँ जो काव्य पंक्ति है उसका भावार्थ लिखना है। जैसे कि पहला है, राष्ट्र में ऐक्य यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। तो संसार में सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हम सब मिलकर प्रगति करें, सबके साथ न्याय हो, मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म बने। दूसरा सवाल, हर्ष भरे गाए हमारा राग सुहाने, समानता और ममता के गीत तराने। तो इसका भावार्थ है, हम आनंदित होकर सुंदर राग छेड़े हम समानता और पारस्परिक प्रेम के गीत गाएं, रात दिन हर घर 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 में यही गीत गूंजे कि हम सब एक जगत एक लोक के निवासी है। सवाल नंबर 5, यानी कि प्रश्न नंबर 5, और निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढ कर लिखिए। तो बाल दोस्तों, अहियाँ जो शब्दों आप समानार्थी शब्द एक कोष्टक दिया गया है उसमें से ढूंढ के लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, भूमि तो जमीन, सूर्य दिनकर, तेज प्रकाश, रक्त लहू, जगत दुनिया, तराना गीत, तिमिर अंधकार। तो इस तरह हमें यह शब्द ढूंढकर यहाँ लिखना है और यहाँ पे हमें राउंड करना है। फिर आगे का सवाल है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न 5 अ में दिए गए समानार्थी शब्दों के किन्हीं 5 शब्दों को वाक्य प्रयोग कीजिए। हवे प्रश्न नंबर 5, ऊपर दिए गए जो शब्द है उनका अर्थ है, हमें यहाँ वाक्य प्रयोग बनाना है। जैसे कि पहला, सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है। दूसरा, बिजली आने से पूरा घर प्रकाश से जगमगाया। तीसरा, हमारा लहू लाल रंग का होता है। चौथा, आँख पे पट्टी बनने से सब कुछ अंधकारमय दिखने लगा। पाँचवा, चिड़िया सुबह सुबह अच्छा गीत सुनाती है। तो बाल दोस्तों, इसमें से 5 कोई भी अर्थ लेकर यहाँ पर हमें वाक्य प्रयोग करना है। प्रश्न नंबर 5, विलोम अर्थ वाले शब्दों को जोड़कर बनाइए और उदाहरण अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे विलोम शब्द ढूंढना है, शब्द का शब्द और विलोम करना है। जैसे कि दिन रात, तो दूसरा आएगा सुख दुख, जीवन मृत्यु, उन्नति अवनति, स्वामी दास, धरती गगन। तो इसमें जो पहला है दिन और रात, उसका वाक्य प्रयोग करते हैं। पहले दिन का करते हैं, दिन में सूरज उजाला देता है। दूसरा, रात में चंद्र शीतलता देते। तो इसी तरह हमें सुख जीवन उन्नति स्वामी धरती इन सभी का वाक्य प्रयोग करना है। जैसे कि पहला, अब उसने सुख के दिन आए हैं, उसके सुख के दिन हैं, जो पाप में तैरता है वह दुख में डूबेगा। दूसरा, औषधियाँ हमें जीवन देती है, औषधियाँ हमें मृत्यु से बचाती है। तीसरा, भारत की उन्नति भारतीयों पर निर्भर है, अगर जीवन में अवनति से बचना है तो अच्छे कर्म करो। चौथा, ईश्वर सबका स्वामी है, वह किसी का दास नहीं है। पांच, बारिश के आने से धरती पर हरियाली छा गई, रात के समय गगन में चांद और तारे दिखते हैं। सवाल नंबर 6, प्रश्न 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति करके शब्द बनाएं। जैसे कि सागर तो गागर, मगर नागर। दूसरा, जेठानी तो देवरानी, शेरनी नौकरानी। पढ़कर तो सुनकर, नौकर खाकर। सुंदरता मधुरता, उदारता वीरता। खाता भागता, माता सोता। तो इस तरह हमें शब्दों की पूर्ति करना है। प्रश्न नंबर 7, दिए गए चौरस में से उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। तो दिए गए चौरस है उसमें से उदाहरण के अनुसार शब्द, जैसे कि फूल, यह फूल सुंदर है। फिर दूसरा बनाए हिमालय, हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी। गुलाब का फूल मुझे पसंद है, तालाब में कमल खिले हैं, सागर की शोभा दर्शनीय है, भारत विशाल देश है, मंदिर में आरती के समय बहुत भीड़ होती है। तो इस तरह हमें ये शब्द ढूंढ कर उसका वाक्य प्रयोग करना है। फिर प्रश्न नंबर 8, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, चित्र देखकर उसके बारे में 8-10 वाक्य लगे। तो आपको सीधी लिटी में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर दे के 8 वाक्य लिखना है। तो पहला, यह एक गाँव का चित्र है। दूसरा, चित्र में पनिहार या पानी भर के आ रही है। तीसरा, चित्र में किसान बैलगाड़ी लेकर खेत में जा रहा है। चौथा, चित्र में मोर भी दिख रहा है। पांचवा, एक किसान पेड़ के नीचे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। छठा, चित्र में 2 बकरियां घास खा रही है। सातवा, चित्र में 2 पनिहार बातें कर रही है। तो इस तरह हमें चित्र देखकर वाक्य लिखना है। फिर आता है सवाल नंबर 9, सही जोड़े तो पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम कौन सा है? 7वां नंबर। अल्प विराम तो कौन सा नंबर? 6 नंबर। प्रश्नवाचक तो 5वां नंबर। विस्मयोद्बोधक चिन्ह तो 8 नंबर। योजक 9 नंबर। निर्देशक 1 नंबर। कोष्टक 3 नंबर। इखारा
એટલે એક અવતરણ ચિહ્ન, ચાર નંબર દોહરા અવતરણ ચિહ્ન તો દો નંબર। तो इस तरह बाल दोस्तों हमें यह स्वाध्याय पोथी पूर्ण करना है और अपने गुरुजी को दिखानी है। गुरुजी उसका मूल्यांकन करेंगे, फिर बाद में आपको घर पे माता पिता के यहाँ पे सिग्नेचर करना है। तो बाल दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? जो अच्छा लगा तो लाइक करना और अपने दोस्तों को यह वीडियो अचूक शेयर करना। तो थैंक यू वेरी मच।